दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजों को लेकर प्राचीन मान्यताएं हैं जो आज भी चली आ रही हैं। कुछ मान्यताएं पशु पक्षी से भी जुड़ी हैं, जिसमें आज हम कबूतर को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों कई लोगों का मत है कि कबूतर का घर में आना और उसका घोंसला बनाना दुर्भाग्य का प्रतीक है और कई लोग इसके उल्टा सोचते हैं। उनका मानना यह है कि कबूतर घर में आता है तो वो शुभ होता है। हालांकि कबूतर एक सुंदर पक्षी है, इसे दाना खिलाना हर व्यक्ति को पसंद होता है, लेकिन जब भी घर में कबूतर आता है तो उसकी बीट से बहुत ही गंदगी होती है। आपके मन में भी कबूतर का घर में आना, उसका घोंसला बनाना, इस विषय को लेकर कन्फ्यूजन है तो आज हमारा ये वीडियो आपका कन्फ्यूजन दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कबूतर का आपके घर में आना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। नंबर एक, घर में घोंसला बनाने से सुख समृद्धि आती है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। कई लोग घर में कबूतर का आना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, घर में कबूतर अपना घोंसला बना ले तो परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर का आना अशुभ होता है। अगर आपके घर की बालकनी या छत पर कबूतर ने अपना घर बनाया है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं और परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर दो, कबूतर को दाना छत पर नहीं आंगन में डालना चाहिए। दोस्तों कबूतर को दाना खिलाना पुण्य का काम है। शास्त्रों में कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है पक्षी को दाना खिलाने से ग्रह दोष दूर होते हैं। हालांकि उल्लेख ये भी मिलता है कि कबूतर को कभी भी घर की छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। जब भी कबूतर को दाना खिलाएं, घर के आंगन में ही डालें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से बुध और राहु ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। नंबर तीन, बुध की स्थिति ठीक होती है। दोस्तों कबूतर को दाना खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, साथ ही घर के कई सदस्यों को बीमारियां नहीं होती। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसे कबूतर को दाना जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का गुरु कमजोर है उन्हें कबूतर को पिंजरे से आजाद करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।